हरिओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में सफर आत्मा से परमात्मा तक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवलिया भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ आए। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय नामक दो द्वारपाल थे। जब सनकादि मुनि द्वार से जाने लगे तो जय विजय ने उन्हें रोक लिया और उनका मजाक उड़ाया। इससे क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने जय और विजय को श्राप दे डाला, जो कि अगले 3 जन्म तक मृत्युलोक में राक्षस बनने का था। इसके बाद जय और विजय क्षम याचना करने लगे। सनकादि मुनि ने उन्हें अभिशाप दे डाला। अगले 3 जन्म में वह राक्षस बनेंगे, लेकिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों उनका अंत होगा। और अगले जन्म में जय और विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दत्तव्रत इस रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। अब हम बात करें भगवान विष्णु के श्री राम अवतार के बारे में। दोस्तों, रावण को भगवान शिव से ये वरदान था कि उसे ना ही कोई देवता मार सकता है या ना ही कोई राक्षस, और उस रावण ने अहंकार में मानव का नाम लेना ही भूल गया और बाद में भगवान विष्णु को मानव के अवतार में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए वो एक मानव की तरह जीवन जिए। इसीलिए राम अवतार में इतने सारे चमत्कार नहीं दिखाई पड़ते जितने कृष्ण अवतार में दिखाई पड़ते हैं। और आगे चलकर राम ने रावण का वध किया और वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो स्वयं विष्णु का अवतार है। इसी वजह से वो में इतनी शक्ति थी कि वो रावण का वध कर सके, नहीं तो साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ जो लंकाधिपति रावण को मार सके। ही लोग पूछेंगे कि भगवान ने राम अवतार क्यों धारण किया, वह नरसिंह बनकर भी तो रावण को मार सकते थे। लेकिन नरसिंह अवतार जो था वह अत्यंत क्रोधित था। वैसे राम को अपनी मर्यादा में का पालन करके रावण का वध करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। एक बार भगवान विष्णु ने चौथा अवतार था जो परशुराम था, उसने अपने माता पिता के बदले हेतु धरा को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। इससे क्षत्रिय कुल में बहुत ज़्यादा दहशत फैल गई थी ब्राह्मणों के बारे में। इसलिए धरती का संतुलन रखने हेतु श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और इसी राम अवतार ने आगे जाकर रावण का वध किया। दोस्तों, ये जो राम नाम है ना, ये हमेशा अपने मुख में रखिए, हमेशा इसका जाप कीजिए। ये राम नाम बहुत ही ज़्यादा दिव्य है, इससे आपको परम सुख की आनंदी होगी। मरने के बाद तो हर कोई कहेगा राम नाम सत है, लेकिन जीते जी इस नाम का जप कीजिए, राम भक्त बनिए और हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए। अपने आप को पूर्ण समर्पित कीजिए प्रभु श्री राम के चरणों में। जिस रावण ने हजारों वर्ष तक तपस्या की अमर बनने के लिए, एक लंका पाने के लिए, वही लंका श्री राम ने विभीषण को श्री समर्पण से दे दी और अमरता का वरदान दिया। ये श्री राम की ताकत है। आप भी श्री राम के चरणों में अपना समर्पण कीजिए और जीवन में आनंदमय तरह से खुशियाँ लाइए। जय श्री राम। मेरी अगली आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर लगाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ इस बेहद ही शानदार और अद्भुत सफर में, जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक का सफर।